दिगंत कन्नड़ फेमिनिस्टिका वन ऑफ द यंग टैलेंटेड एक्टर है जिन्होंने 2006 से शुरू करके अभी तक की कुछ सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं। तो दोस्तों आज मैं दिगंत का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ और अगर आप हो दिगंत का फैन तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन मिस कैलिफोर्निया। ये 2006 का रोमांटिक फिल्म है और इसमें दिगंत सौम्या लीड रोल में है। इसमें एक फोटोग्राफर दिगंत अवार्ड लेने के लिए यूएस जाते हैं और वहाँ वो एक इंडियन लड़की जानू के साथ कैसे प्यार में पड़ जाते हैं वह इसमें दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर टू मंदिया। ये 2006 का एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें डीबस दर्शन राधिका दिगंत लीड रोल में है और ये फिल्म एवरेज निकला। और इसके बाद कदाला मगे और मीरा मधावा राघवा दोनों फिल्में फ्लॉप निकला। नंबर फाइव गलीपाता। ये 2008 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें गोल्डन स्टार गणेश अनंतनाग राजेश और दिगंत लीड रोल में है। इसमें गणेश दिगंत और कीर्ति तीनों फ्रेंड ने एक फार्म हाउस पर जाते हैं और वह गणेश को कैसे प्यार हो जाते हैं वह इसमें दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर सिक्स मस्त मजा मदी। ये 2008 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें सुदीप विजय दिगंत लीड रोल में है और फिल्म एवरेज निकला। नंबर सेवन हाउसफुल। ये 2009 का फिल्म है और ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई। नंबर एट मानसरे। ये 2009 का रोमांटिक साइकोलॉजिकल फिल्म है और इसमें दिगंत अंद्रिता लीड रोल में है। इसमें मनोहर और एक ट्रॉमा से गुजर रही है ऐसे लड़के के बीच में प्यार को दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर नाइन माले बिल्ले। ये 2009 का फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर टेन स्वामवरा। ये 2010 का कॉमेडी रोमांटिक फिल्म है और इसमें श्रीनगर की टीप दिगंत लीड रोल में है और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 11 पंचरंगी। ये 2010 का फिलोसॉफिकल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें दिगंत निधि लीड रोल में है। इसमें भारत अपनी फैमिली के साथ उसका बड़े भाई के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए मैंगलोर जाता है और बाद में उसे कैसे दुल्हन की कजिन के साथ प्यार हो जाती है वह इसमें दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 12 मिस्टर डुप्लीकेट। ये 2011 का रोमांटिक फिल्म है और इसमें दिगंत प्रज्वल लीड रोल में है। इसमें दोनों बेस्ट फ्रेंड नंदा कुमार और विक्रम दोनों ही कैसे पूर्णिमा के प्यार में पड़ जाते हुए इसमें दिखाई है और ये फिल्म 2001 तमिल हिट फिल्म मिन्नाले का कन्नड़ रिमेक है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 13 लाइफ यू इश्तनब। ये 2011 का डार्क कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें दिगंत सिंधूर और समुक्ता लीड रोल में है। इसमें विशाल एक एमलेस लड़का है जो आसानी से कई सारी लड़की से प्यार में पड़ जाता है और बाद में क्या वो सच्चे में लाइफ का मीनिंग समझ पाते हैं या नहीं वही इसमें दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 14 पुत्रा। ये 2011 का फिल्म है और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 15 पारिजाथा। ये 2012 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें दिगंत अंद्रिता लीड रोल में है। इसमें भास्कर एक यंग प्रोफेसर चंद्रिका से प्यार करते हैं और उसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो कैसे कोचिंग क्लास खुलकर वहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वह इसमें दिखाई है और फिल्म तमिल सक्सेसफुल फिल्म बॉस इंगरा भास्करन का कन्नड़ रिमेक है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 16 देव सॉन ऑफ मुड्डेकोटा। ये 2012 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें दिगंत चरमे लीड रोल में है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 17 बर्फी। ये 2013 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें दिगंत भामा लीड रोल में है। इसमें संतोष और एक पंजाबी लड़की के बीच में प्यार को दिखाई है और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 18 वेडिंग टू लव। ये 2015 का रोमांटिक फिल्म है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 19 मिंचागी ने बड़ालू। ये 2015 का रोमांटिक साइंस फिक्शन फिल्म है। इसमें दिगंत कृति खरवंदा लीड रोल में है। इसमें टाइम मशीन के साथ जुड़कर जय और प्रियंका के बीच में प्यार को दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 20 शार्प शूटर। ये 2015 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 21 पारा पंचा। ये 2016 का साइकोलॉजिकल कॉमेडी फिल्म है और इसमें दिगंत रजनी द्विवेदी लीड रोल में है। इसमें क्रिविल रजेवा खुद कुछ करने के लिए घर से निकल जाते हैं और बाद में कैसे उसको बार में काम दिया जाता है वह इसमें दिखाई है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 22 नागारा हावू। ये 2016 का रीबर्थ एपिक फैंटेसी फिल्म है और फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 23 चौकअप।
ये 2007 इनका एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें प्रेम कुमार, विजय राघवेंद्र, दिगंत लीड रोल में है और साथ में डिवोर्स दर्शन कैमियो अपीयरेंस में रहा। इसमें चार आदमी ने कैसे एक स्कूल टीचर को जेल से भागने के लिए मदद करते हुए इसमें दिखाई है और इस फिल्म के पॉपुलरिटी की वजह से इस फिल्म को बाद में तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली भाषाओं में भी रीमेक बनाया जाएगा। और जहाँ पर इसका बजट था 4 करोड़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 30 करोड़ और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 24, हैप्पी न्यू ईयर। ये 2017 का एंथोलॉजी ड्रामा फिल्म है और इसमें पाटिल, दिगंत, धनंजय, श्रुति हरिहरन लीड रोल में है। इसमें 5 डिफरेंट लाइफ स्टोरी को एक साथ करके दिखाई जाएगा और ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 25, कथियंदु शुरू वगैदेव। ये 2018 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें दिगंत, पूजा लीड रोल में है। इसमें एक रिसोर्ट का मालिक तरुण ने अपने बिजनेस में फेलियर होता है और इसके बाद उसका लाइफ में एक टर्न आता है जब रिसोर्ट में तानिया नाम की एक लड़की आते हैं और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर 26, फॉर्चूनर। ये 2019 का रोमांटिक फैमिली फिल्म है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर 27, युवरत्ना। ये अपकमिंग एक्शन फिल्म है और इसको डायरेक्ट करी है संतोष ने और इसमें पावर स्टार पुनीत राजकुमार, साईशा, दिगंत लीड रोल में है। इसमें कॉलेज बैकड्रॉप का स्टोरी को दिखाया जाएगा और इसमें पावर स्टार पुनीत राजकुमार को कॉलेज का एक रग्बी प्लेयर के रोल में नजर आएंगे और इस फिल्म पे काफी हाई ऑक्टेन एक्शन सीन नजर आएंगे। नंबर 28, गली पता 2। ये 2008 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें गोल्डन स्टार गणेश, अनंत नाग, राजेश और दिगंत लीड रोल में है और ये ब्लॉकबस्टर फिल्म गली पता का सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा और जहाँ पर सेम कास्ट के साथ हमको डिफरेंट टाइम जोन और 2 डिफरेंट प्लेस देखने को मिल जाएगा और इस फिल्म को काफी बड़ा करके बने जा रही है। नंबर 29, मैरीगोल्ड। ये अपकमिंग रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है और इसको डायरेक्ट करी है राघवेंद्र ने और इसमें संगीता और दिगंत लीड रोल में है और इसमें प्यार कहानी से जुड़ा कर काफी ड्रामेटिक वे से दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इन सब अपकमिंग फिल्मों से कौन सी फिल्म के लिए आपको इंतजार रहेगा कॉमेंट करके बताना। तो दोस्तों, ये रहा दिगंत का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एनालिसिस के बारे में। इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सर के बॉलीवुड और साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।